493 वर्षों के संघर्ष के बाद पूरी भव्यता दिव्यता से अयोध्या में विराजने जा रहे रामलला को समर्पित रहेगी। इस वर्ष 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस विशाल यात्रा, 5100 तुलसी के पौधों का होगा आमजनमानस में निःशुल्क वितरण। हर वर्ष की भांति नर सेवा नारायण सेवा व हिंदू जागरण मंच की 25 दिसंबर को निकाली जाने वाली तुलसी पूजन दिवस विशाल यात्रा राम मंदिर व खाटू श्याम जी सहित सैकड़ों मनमोहक झांकियों के साथ ही डांडिया, आर्मी बैंड, स्थानीय बैंड व घोड़े रथों में महापुरुषों की झांकियों के साथ पूरी भव्यता से निकाली जाएगी। यात्रा दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान से आवास विकास वृंदावन गार्डन तक जाएगी। यात्रा की संक्षिप्त रूपरेखा पत्रकार वार्ता कर नर सेवा नारायण सेवा व तुलसी पूजन दिवस यात्रा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने बताया। आर सोनी न्यूज के लिए उन्नाव से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। आगामी 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस यात्रा की आप सबके माध्यम से जनपद वासियों को और पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और नर सेवा नारायण सेवा हिंदू व हिंदू जागरण मंच द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आगामी 25 दिसंबर को विशाल तुलसी पूजन दिवस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 51,000 निःशुल्क तुलसी के पौधों का वितरण के साथ साथ भव्य राम मंदिर की झांकी व सैकड़ों महापुरुषों व अन्य झांकियां सम्मिलित होने वाली हैं, जिसमें कि रामलीला ग्राउंड से लेकर वृंदावन गार्डन तक ये यात्रा निकलने वाली है, जिसमें आर्मी बैंड व स्थानीय बैंडों के साथ साथ महापुरुषों की झांकियां सम्मिलित होंगी। मैं आप सबके माध्यम से आम जनमानस से हिंदू समाज से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आगामी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में नहीं तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएं और आम जनमानस अधिक से अधिक संख्या में इस यात्रा में सम्मिलित होकर पुणे के भागीदार बने। ये यात्रा 2023 की रामलला को समर्पित है। भव्य राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगामी 22 जनवरी को भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैं आम जनमानस को इस यात्रा में, जो कि पूरी तरह से रामलला को समर्पित है, इसमें सम्मिलित होकर पुणे के भागीदार बने व यात्रा को भव्यता व दिव्यता प्रदान करने की अपील करता हूं।